तो अब हम पहला प्रश्न देखते हैं जहाँ पर हमें 2/3x प्लस 3/2x का पावर 6 इसका प्रसार लिखना है। तो इसको सरल करने के पहले आपको द्विपद प्रमेय का जो सूत्र है x प्लस a का पावर n यह ज्ञात होना चाहिए। यह होता है एन सी ज़ीरो एक्स का पावर n प्लस एन सी वन एक्स का पावर n माइनस वन और a का पावर 1, फिर एन सी टू एक्स का पावर n माइनस टू ए का पावर 2। तो इस श्रेणी का r प्लस वन वा पद जो होता है एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर ए का पावर r, और इस तरीके से इसका जो अंतिम पद होता है वो एन सी एन एक्स एक्स का पावर तो 0 हो जाता है a का पावर n। तो आपको यह पता है कि x प्लस a का पावर n के विस्तार में कुल पदों की संख्या n प्लस वन होती है और x का जो घात है वो उत्तरोत्तर घटते जाता है जबकि a का घात जो है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर हमें n के स्थान पर 6 है और x के स्थान पर 2/3x है और a के स्थान पर 3/2x है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, इसका उपयोग कर रहे हैं, तो 2/3 या फिर 2x/3 आप इसको ऐसा समझ सकते हैं और 3/2x का पावर 6 तो इक्वल टू सबसे पहले एन सी ज़ीरो, तो n के स्थान पर 6 है तो ये होगा 6c0, फिर x का पावर n और x के स्थान पर है 2x/3 और फिर इसका पावर n अर्थात 6 प्लस 6c1 x का पावर n माइनस 1 तो 6 माइनस 1 5, तो ये मिल जाएगा 2x/3 होल पावर 5। और अब यहाँ पर a अस्तित्व में आएगा तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 6c2 2x/3 इसका पावर 6 माइनस 2 करेंगे तो मिल जाएगा 4 और a मतलब 3/2x का पावर दिस 2 प्लस 6c3 2x/3 और 6 माइनस 3 करेंगे तो मिल जाएगा 3 और 3/2x का पावर 3 प्लस 6c4 2x/3 6 माइनस 4 करेंगे तो मिल जाएगा 2 3/2x का पावर 4 प्लस 6c5 2x/3 6 माइनस 5 करेंगे तो मिल जाएगा 1 और फिर 3/2x का पावर 5 फिर 6c6 अब ये वाला जो पद होगा 2x/3 का पावर 0 हो जाएगा तो उसे हम नहीं लिख रहे हैं और फिर 3/2x का पावर 6। अब इसे सरल करने के लिए आपको गुणांकों को किस तरीके से हल करते हैं यह पता होना आवश्यक है और संचय के सिद्धांत में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको सरल करते हैं। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं, 6c0 ये 1 होगा और 6c6 भी 1 होगा, पूरक संचय का उपयोग करके 6c0 को आप 6c6 लिख सकते हैं और 6c1 को आप 6c5 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 मिल जाएगा, पूरक संचय का उपयोग करके लिख सकते हैं और 6c1 ये 6/1=6। इसी तरीके से 6c2=6c4 पूरक संचय का उपयोग करके लिख सकते हैं, 6c2 का मतलब है 6×5/1×2, सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6 3 5 15 आ जाएगा और अंत में 6c3 तो 6×5×4/1×2×3 3 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 6 और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 20। तो ये हमारे गुणांक है, इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, 6c0 इसका मान होता है 1, फिर ये 2x/6 तो 2 का घात जब आप 6 लिखेंगे तो मिल जाएगा 64 और फिर x का घात 6 और 3 का घात 6 लिखेंगे तो मिल जाएगा आपको 729। फिर 6c1 यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 और 2x/5 तो 2 का पावर 5 32 x का पावर 5 और 3 का पावर 5 जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 243 और फिर × 3/2x। फिर 6c2 यहाँ से देखिए ये 15 के बराबर है तो अब लिख देंगे 15
देखिए यहाँ पर 2x का पावर 4 है और यहाँ पर 2x का पावर 2 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x का पावर 2, तो 2 टू 4, दो दूनी करेंगे तो मिल जाएगा 4, और ये x का घात 2। इसी तरीके से यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 3 का घात 4 है और यहाँ पर घात 2 है, तो आपको मिल जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 9 प्लस 6c3। यहाँ से देखिए ये 20 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए 2x बाई 3, 3 बाई 2x पावर 3, दोनों में सेम है, सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 1। फिर 6c4, 6c4 6c2 के बराबर होता है और इसका मान होता है 15। फिर यहाँ से देखिए 2 का घात 2, तो मिल जाएगा 4x का घात 2, 3 का घात 2 9, और 3 का घात 4 81, और 2 का घात 4 16, x का घात 4। फिर 6c5, 6c5 देखिए ये 6 के बराबर है, तो ये 6 और ये 2x अपॉन 3 और 3 का पावर 5, सेवन ट्वेंटी नाइन अपॉन 32 एक्स का पावर 5 प्लस 6c6 1 होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 3 का पावर 6 करेंगे तो मिल जाएगा 729, और 2 का पावर 6 करेंगे तो मिल जाएगा 64, और ये एक्स का पावर 6। इसको और आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64 अपॉन 729 एक्स का पावर 6 प्लस 32 अपॉन 27 एक्स का पावर 4 प्लस 20 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 135 अपॉन 4 एक्स का पावर 4 प्लस 729 अपॉन 8 और ये एक्स का पावर 4 प्लस 729 अपॉन 64 और ये एक्स का पावर 6, और यही इस दिए गए पद का प्रसार है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं जहां पर हमें 2x प्लस 3y का पावर 4 इसका प्रसार करना है। तो चूंकि घात 4 है तो कुल पदों की संख्या 5 होगी, उससे एक अधिक, तो x प्लस ए का पावर n का विस्तार हमने लिखा था और आपको ये पता है कि एन सी 0 से ही स्टार्ट होता है, तो n के स्थान पर यहाँ पर 4 है, तो इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 3y का पावर 4 इक्वल टू 4c0। x के स्थान पर यहाँ पर 2x, तो 2x का पावर 4 और 3y का पावर 0 रहेगा। फिर 4c1, 2x का पावर 4 माइनस 1 3, और फिर 3y का पावर दिस नंबर 1। इसी तरीके से 4c2, 2x का पावर 2 और 3y का पावर 2 प्लस 4c3, 2x का पावर 4 माइनस 3 1 और 3 जो होगा ये 3y का पावर 3। फिर 4c4, 2x का पावर 0 1 हो जाएगा, उसे हम नहीं लिख रहे, फिर 3y का पावर 4। तो इस तरीके से जब आप आगे सरल करेंगे तो 4c0 की वैल्यू 1 और फिर 2x का पावर 4, तो ये आपको मिल जाएगा 16x का पावर 4 प्लस 4c1 दैट इज 4, फिर 2 का पावर 3 8x का पावर 3 और फिर 3 इंटू वाई। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4c2, ये मिल जाएगा 6 इंटू 4, देन ये 9x स्क्वायर और फिर y स्क्वायर। आगे सरल करेंगे तो मिलेगा 4 इंटू 54 एक्स इंटू वाई का पावर 3 प्लस 81 वाई का पावर 4। इसमें जो पद हैं इसको और सरल कर लीजिए तो मिल जाएगा 16x का पावर 4 प्लस 96x का पावर 3 वाई प्लस 216 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 216 एक्स वाई क्यूब प्लस 81 वाई का पावर 4।
और यही 2x प्लस 3y का पावर 4 का विस्तार है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है कि द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए 99 का घात 4। तो ये 99 का घात 4 हमें ज्ञात करना है। इसे 100 ऋण 1 का घात 4 हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने घात 4 वाले प्रसार को हमने सरल किया था, तो इसको आप लिख सकते हैं। पहला होगा NC0, तो 4C0, x के स्थान पर है यहाँ पर 100, तो इसका घात 4 और 1 का घात 0, तो 1 ही रहेगा। फिर प्लस 4C1, 100 का पावर 4 माइनस 3 करें 4 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, और फिर माइनस 1 का पावर 1। फिर 4C2, 100 का पावर 4 माइनस 2 करेंगे मिल जाएगा 2, और फिर माइनस 1 का पावर दिस नंबर 2। प्लस 4C3, 100 का पावर 4 माइनस 3 दैट इज 1, और फिर माइनस 1 का पावर दिस नंबर दैट इज 3। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4C4, अब 100 का पावर 0 हो जाएगा तो उसे हम नहीं लिख रहे हैं, माइनस 1 का पावर 4। चलिए इसे आगे सरल करते हैं, ये आपको मिल जाएगा 100 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 100 का पावर 3 प्लस 4C2, तो 4 × 5 / 1 × 2, और ये 100 का पावर 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 का पावर 2 है तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर अगला जो पद होगा वो माइनस के साथ आएगा, 4/1, 4C3 को आप पूरक संख्या का उपयोग करके 4C1 लिख सकते हैं, और फिर ये 100, और इसे जब आप आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। चलिए इसे आगे सरल करते हैं, 100 का घात 4 है, तो ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, और फिर ये 2, फिर 4 × इसका घात 3 है, तो 1, 2, और फिर ये 3। इसको सरल करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10। फिर इसका घात 2 है तो ये आ जाएगा इस तरीके से, फिर 400 और फिर ये 1। जब आप इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9605961, और यही 99 का घात 4 का उत्तर है जो हमें ज्ञात करने कहा गया था। इसी प्रकार एक और प्रश्न है जहां पर दिया गया है 101 का घात 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 + 1 और फिर इसका घात 3। वैसे तो आप a प्लस बी का क्यूब का प्रसार जानते हैं तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और वो a प्लस बी का घात 3 जो है वो द्विपद प्रमेय से ही निकल कर सामने आया है। तो यहाँ से आप लिखेंगे NC0, तो ये जगह 3C0, x का पावर n, फिर 1 का पावर 0, तो उसे नहीं लिख रहे हैं। फिर 3C1, 100 का पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, और फिर 1 का पावर 1। फिर 3C2, 100 का पावर 3 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, और फिर 1 का पावर 2। फिर 3C3, अब 100 का पावर 0 हो जाएगा तो वो होगा 1, और 1 को हम वहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, और फिर 1 का पावर 3। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3C0 1 मिलेगा, और फिर 100 का पावर 3 है तो इसे आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर 3C1 3, और फिर 100 का पावर 2। फिर 3C2 तो मिल जाएगा सिर्फ 3 मिलेगा, और यहाँ से 100, और फिर 3C3 1 मिल जाएगा, और ये 1। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1030301, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है कि 4x/5 माइनस 5/2x^9 के प्रसार में 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो चूंकि आपको पता है कि x प्लस a का पावर n के प्रसार में
आर प्लस वनवा पद जो होता है ये व्यापक पद होता है, और इसे हम लिखते हैं एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर और ए का पावर आर में। इसमें आप एन एन के स्थान पर आप 9 रखेंगे, आर के स्थान पर 6 रखेंगे, तो ये 6 धन 1 करेंगे तो आपको सातवां पद मिल जाएगा। और चूंकि यह x प्लस ए का प्रसार है तो x के स्थान पर है 4x बाई 5 और a के स्थान पर है माइनस 5 अपॉन 2x, तो यहाँ से आप लिखेंगे t7 इक्वल टू t6 प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, तो 9c6 x के स्थान पर है 4x अपॉन 5, 9 माइनस 6 करेंगे तो मिल जाएगा 3, या हम इसे लिख लेते हैं 9 माइनस 6, फिर माइनस 5 अपॉन 2x का पावर दिस नंबर दैट इज 6। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 9c6 पूरक संचय का उपयोग करके आप 9c3 लिख सकते हैं, और फिर 4x अपॉन 5 और इसका पावर 3, इसी प्रकार माइनस 5 अपॉन 2x का पावर 6, तो 9c3 तो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 और 3 तो 1 इंटू 2 इंटू 3। फिर ये है 4 का पावर 3 एक्स का पावर 3 अपॉन 5 का पावर 3, अब माइनस 5 का पावर 6 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, हम सिर्फ यहाँ पर 5 का पावर 6 लिखेंगे, और फिर ये 2 का पावर 6 और फिर एक्स का पावर 6। सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10,500 बटे एक्स का घात 3, और यही इस दिए गए श्रेणी का सातवां पद है। पुनः अगले प्रश्न में दिया गया है कि a प्लस 2x का पावर 11 के प्रसार में सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि इस व्यापक पद हम लिखते हैं टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर ए का पावर r से, और r के स्थान पर आप लिखेंगे 6, तभी आपको 6 प्लस 1 7 मिलेगा, और n के स्थान पर यहाँ पर 11 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे t7 इक्वल टू t6 प्लस 1 इक्वल टू 11c6, एक्स के स्थान पर है a और a का पावर 11 माइनस 6 और a के स्थान पर है 2x का पावर हो जाएगा 6। सॉल्व करेंगे तो पूरक संचय का उपयोग करके आप लिख सकते हैं 11c5, 11 माइनस 6 करेंगे मिल जाएगा 5, और फिर a का पावर 5, फिर 2x का पावर 6, तो 2 का पावर 6 करेंगे तो मिल जाएगा 64 और x का पावर 6। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 29,568 इंटू एक्स का पावर 6 और ए का पावर 5। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x का पावर 10 के प्रसार में अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो पहले हम पदों की संख्या देखते हैं, पदों की संख्या कैपिटल N जो होती है घात में जो संख्या होती है उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होती है, तो यहाँ पर घात में 10 है अर्थात कुल 11 पद होंगे। तो कहा गया है कि अंत से पांचवा पद, तो आप इसे लिख सकते हैं कि प्रारंभ से 11 ऋण 5 धन 1 अर्थात सातवां पद प्रारंभ से। तो अंत से पांचवा पद का मतलब इस प्रश्न के लिए है प्रारंभ से सातवें पद से, तो यहां पर आपको निकालना है t7 और t7 को आप लिखेंगे t6 प्लस 1, और चूंकि आपको पता है कि tr प्लस 1 इसे हम लिखते हैं ncr x का पावर n माइनस r और a का पावर
आर, तो इसे आप लिखेंगे टी सेवन, और टी सेवन इक्वल टू टी सिक्स प्लस वन हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ये मिल जाएगा एन सी आर, और एन के स्थान पर है टेन सी सिक्स, ए के स्थान पर है एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर है एक्स स्क्वायर, और ये टेन माइनस सिक्स, और ए के स्थान पर है माइनस वन अपॉन टू एक्स, और इसका पावर सिक्स। पूरक संचय का उपयोग करके टेन सी सिक्स को आप लिख सकते हैं टेन सी फोर, सॉल्व करेंगे तो टेन माइनस सिक्स मिल जाएगा फोर, फोर इंटू टू करेंगे मिल जाएगा एट, तो ये x का पावर 8, माइनस वन का पावर 6 है तो आपको मिलेगा 1, और 2 का पावर 6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64, और ये x का पावर 6। 10c4 को सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये x का पावर 8 है और ये 6 है, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x का पावर 2, और 1 अपॉन 64 है। आगे जब आप उसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 105 अपॉन 32 एक्स का पावर 2। दिया गया है कि 4 अपॉन 3 एक्स का पावर 2 माइनस 3 अपॉन 2 एक्स होल पावर 9 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो घातांक है यह 9 है, यहां पर n इक्वल टू 9 विषम संख्या है, इसलिए हमें दो मध्य पद प्राप्त होंगे, और ये हो जाएगा 1/2 एन प्लस वनवा पद और 1/2 एन प्लस थ्रीवा पद, अर्थात 9 और 1 10 बटे 2 करेंगे तो मिल जाएगा पांचवा पद और छठवा पद होंगे। तो इस दिए गए पद के प्रसार में जो मध्य पद हमें मिलेगा वह पांचवा और छठवा पद होगा, तो हम पांचवा पद निकालते हैं t5 को लिखेंगे 4t4 प्लस 1 एन सी आर, आर के स्थान पर है यहाँ पर 4 एक्स, अर्थात 4/3 और ये एक्स स्क्वायर का पावर 9 माइनस 4 और फिर माइनस 3/2 एक्स का पावर दिस नंबर 4। तो 9c4 को हम 9c4 ही लिखेंगे और सरल नहीं कर सकते, जब इसे आप सरल करेंगे तो 9c4 का मतलब है 9 इंटू 7 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 9 माइनस 4 करेंगे तो मिल जाएगा 5, तो मिलेगा 4 का पावर 5 और 3 का पावर 5, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो मिल जाएगा 10, ये हो गया x का पावर 10, फिर माइनस 3 का पावर 4 है तो इसको मैं सिंपली 3 का पावर 4 लिख रहा हूँ क्योंकि धनात्मक संख्या हमें मिलेगी, और ये 2 का पावर 4 और ये x का पावर 4। जब इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2688 एक्स का घात 6, ये हमारा पांचवा पद है। इसी प्रकार छठवा पद निकालने के लिए आप लिखेंगे t5 प्लस 1 इक्वल टू ncr, तो ये हो जाएगा nc5 4/3 एक्स स्क्वायर 9 माइनस 5 और माइनस 3 अपॉन 2 एक्स का पावर 5। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 9c5 को हम 9c4 लिख सकते हैं पूरक संचय का उपयोग करके, तो 9 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 9 माइनस 5 करेंगे मिल जाएगा 4, तो आपको मिल जाएगा 4 का पावर 4 एक्स का पावर 8 अपॉन 3 का पावर 4 इंटू, चूँकि यहाँ पर माइनस 3 का पावर 5 है तो यहाँ पर माइनस 1 लिख लेंगे और 3 का पावर 5 और फिर ये 2 का पावर 5 और फिर ये x का पावर 5। सरल करने पर आपको मिल जाएगा माइनस 3024 एक्स का घात 3।
दिए गए प्रश्न का अभीष्ट मध्य पद 2688 और ये x का पावर 6 और -3024 x का पावर 5 है, जो हमें ज्ञात करने कहा गया था। अगले प्रश्न में भी हमें मध्य पद ज्ञात करना है। प्रश्न है कि x अपॉन a माइनस x अपॉन a अपॉन x माइनस x अपॉन a का घात 8 है के प्रसार में मध्य पद। तो यहां जो घातांक है n बराबर 8 सम संख्या है, तो 8 में एक जोड़ेंगे मिल जाएगा 9, कुल पदों की संख्या 9 होगी, इसलिए मध्य पद बराबर 8/2 प्लस 1वां पद हम निकालेंगे, मतलब 8/2 करेंगे मिल जाएगा 8/2 करेंगे मिल जाएगा 4, 4 धन 1 बराबर 5, तो हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवें पद को हम लिखेंगे t5 इक्वल टू t4 प्लस 1 और ncr ऐसा हम लिखते हैं, तो n के स्थान पर है यहाँ पर 8, cr x अर्थात a/x का घात 8 ऋण 4 और फिर ऋण x बाई a का घात 4 ये वाला। तो 8c4 को हम 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 बटे 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 लिख सकते हैं और a का घात आपको मिल जाएगा 4, इसी प्रकार x का घात भी आपको मिल जाएगा 4। ऋण x का घात में सम संख्या है तो सीधा हम x का घात 4 लिख सकते हैं और ये a का घात 4, तो a का घात 4, a का घात 4 और x का घात 4, x का घात 4 ये सब कैंसिल हो जाएंगे और अंत में जब आप इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 70 और यही इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न में दिया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x का घात 11 के प्रसार में x का घात 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसमें हम लिखेंगे कि माना x स्क्वायर प्लस 1/x का घात 11 है के प्रसार में टी आर प्लस 1वे पद में x का घात 7 आता है, हम ये मान करके चलेंगे। तो आपको पता है कि टी आर प्लस 1 ये होता है एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर ए का पावर आर, इसका उपयोग करेंगे। एन के स्थान पर यहाँ पर 11, तो हम लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू 11 सी आर एक्स का घात एन माइनस आर, तो ये मिलेगा एक्स का पावर 2 11 माइनस आर और फिर ए का पावर आर, तो ए के स्थान पर है 1/x और इसका पावर आर। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 11 सी आर एक्स का पावर 22 माइनस 2 आर और यहाँ पर एक्स का घात आर आ रहा है तो माइनस आर लिख सकते हैं। तो सरल करने पर ये आपको मिल रहा है 11 सी आर एक्स का पावर 22 माइनस 3 आर, चूंकि हमने माना है कि इसके प्रसार में x का घात 7 आता है r प्लस 1 में, तो इसका जो गुणांक है इसको हम मान लेते हैं कि ये k है और x का घात 7 ये हमने यहाँ पर माना था, तो गुणांक जो होगा k के बराबर होगा और ये चर राशि यहाँ पर x और यहाँ पर x का घात 7 है, तो तुलना करने पर 22 माइनस 3 आर इक्वल टू 7 आपको मिल जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं 3 आर इक्वल टू 22 माइनस 7 इक्वल टू 15,
सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5, 3 × 5 = 15। तो r इक्वल टू 5 आपको मिल गया है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे एक्स घात 7 का गुणांक, इसका जो गुणांक है ये 11 c r, r के स्थान पर यहाँ पर है 5, तो 11 c 5। लिखेंगे 11 × 10 × 9 × 8 × 7, ये 5 हो गए। और फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसे जब आप सरल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 42 × 11, और आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 462। और यही इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है।